जाड़े के मौसम में आम के बागों को उचित देखभाल की आवश्यकता होती है, खासकर नए लगे हुए बाग जहां पेड़ छोटे हैं उनको पाले से बचाने का उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके लिए पाले से बचाने के लिए छोटे पौधों की नियमित सिंचाई करनी आवश्यक होती है और साथ साथ उनको ढकने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे किसान भाई देख रहे होंगे कि जिन्होंने नया बाग लगाया है जहां पौधे छोटे हैं, एक दो वर्ष के हैं या नर्सरी में छोटे पौधे हैं, उनमें फूल आने की भी प्रक्रिया देखी जा रही है, मंजरियां निकल रही हैं। तो मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी कलमी पौधों के बाग हमारे किसान भाई लगाए हैं उनमें 3 से 4 वर्ष से पहले फलत नहीं लेनी चाहिए और जो भी मंजरियां निकली हैं उनको तोड़ देना चाहिए, जिससे पौधों का वानस्पतिक विकास अच्छी प्रकार से हो जाए और फिर 3 से 4 साल बाद उनसे फलत लेना शुरू करना चाहिए। साथ ही साथ हमारे किसान भाई देख रहे होंगे कि जो बड़े बाग हैं जो फलत में हैं उनमें भी मंजरियां निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, खासकर जाड़े के मौसम में दिसंबर जनवरी में कुछ मंजरियां निकल आती हैं। कि जो मंजरियां जाड़े के मौसम में निकलती हैं उनका गुच्छा रोग से ग्रसित होने की संभावना होती है, साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि उनमें ना के बराबर फल लगते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि जो पर परागण के लिए कीट हैं जैसे मक्खियां हैं या छोटी मधुमक्खियां हैं जो आम में पर परागण करती हैं, उनकी कार्यशीलता इस ठंड के मौसम में काफ़ी कम होती है। तो जहां तक संभव हो दिसंबर जनवरी में निकली हुई मंजरियों को मसल कर तोड़ दें, उनको तोड़ें और कैंची से काटे नहीं, शाखा को काटे नहीं, जिससे यह संभावना बनी रहती है कि आने वाले फरवरी मार्च के महीने में उसी शाखा से पुनः मंजरियां निकल सकती हैं। अब बात आती है कीट प्रबंधन की, खास तौर पे मिलीबग है। अगर इस मौसम में हमारे किसान भाई बाग की एक गहरी जुताई कर देते हैं तो जो कीट आम में नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी वह अवस्थाएं जो जमीन में रहती हैं जैसे प्यूपा, वो नष्ट हो जाता है और कुछ तो जुताई में नष्ट हो जाता है और कुछ सतह पे आ जाता है जो कि ठंड के कारण मर जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कई नई किस्मों का जो उन्नत है उनका विकास किया है, उदाहरण के तौर पर मल्लिका है जिसका फल काफी बड़ा होता है और इसको मध्यम सघन बागवानी में लगा सकते हैं। दूसरी किस्म है आम्रपाली जो सघन बागवानी के लिए काफी उपयुक्त है और इससे अच्छी उपज भी मिलती है और यह दोनों किस्में व्यवसायिक स्तर पर हमारे किसान भाइयों द्वारा अपनाई भी जा रही है। साथ ही साथ कुछ नई किस्में निकली हैं जो जिनके छिलके लाल रंग के होते हैं और बहुत ही आकर्षक फल होते हैं, मध्यम ओजस्वी हैं और इनमें नियमित फलन होता है, हर वर्ष फलन होता है। तो उन उदाहरण के तौर पर है पूसा अरुणिमा और इसके साथ साथ पूसा सूर्य किस्म है जिसके फल आकार में बड़े होते हैं, लाल आभा लिए होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और किस्में हैं जैसे पूसा प्रतिभा है, पूसा लालिमा और पूसा श्रेष्ठ है। ये बड़े ही आकर्षक फल हैं, मध्यम मिठास होती है इनमें, इनका ओज भी कम है, मध्यम ओजस्वी हैं, तो सघन बागवानी के लिए उपयुक्त हैं। अगर हम परंपरागत रूप से बाग को लगाते हैं तो उसमें 1 हेक्टेयर में 100 पौधे को हम लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे संस्थान की किस्में हैं इनको अगर लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में 278 पौधे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इनको 6x6 मीटर पे लगाने की संस्तुति की जाती है।